नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर अलका बागला, आचार्य संस्कृत। बच्चों, आज के वीडियो में मैं बीए पार्ट थर्ड के विद्यार्थियों के लिए नीति शतकम के श्लोकों की व्याख्या बताने जा रही हूँ। इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको 26 श्लोक तक व्याख्या बताई है। आज मैं आपको 27वां श्लोक जो अधम, मध्यम और उत्तम का अंतर बताता है, अर्थात ऐसे मनुष्य जो तीन प्रकार के होते हैं, अधम जो नीच प्रवृत्ति के, मध्यम और उत्तम पुरुष कैसे होते हैं, वो जनों की जैसी स्थिति रहती है उसी का वर्णन इस श्लोक में किया गया है कि प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचे, प्रारभ्य विघ्न विहिता विर्मन्ति मध्या, विघ्नय पुनः पुनरपि विप्रति हन्यमाना, प्रारब्धम उत्तम जना न परित्यजन्ति। इस श्लोक में बच्चों, कार्य करते समय अध्यय अधम, मध्यम तथा उत्तम जनों की जैसी स्थिति रहती है, इसका वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि अधम प्रवृत्ति के पुरुष कैसे कार्य करते हैं, मध्यम प्रवृत्ति के पुरुष किस प्रकार कार्य करते हैं और उत्तम जन कैसे कार्य करते हैं, इसी का वर्णन प्रतिपादित करते हुए धृतहरि कहते हैं कि नीचे, नीच अर्थात अधम लोगों के द्वारा जो नीच प्रवृत्ति के लोग हैं, विघ्न भयेन, विघ्नों के भय से के कार्य करते समय कुछ बाधाएं आएंगी, इसी के डर से न प्रारभ्यते, कोई भी कार्य को प्रारंभ ही नहीं करते हैं। अर्थात जो नीच प्रवृत्ति के लोग हैं, जो अधम प्रवृत्ति के लोग हैं, वह किसी भी कार्य को विघ्नों के भय के कारण शुरू ही नहीं करते हैं। खलु मध्या, और निश्चय से ही मध्या जो बीच के मध्यम लोग हैं, प्रारभ्य विघ्न विहिता, कार्य को प्रारंभ करके विघ्न विहिता, विघ्नों से प्रताड़ित होते हुए कोई भी विघ्न उनके कार्य में आ जाता है तो उससे वह दुखी हो जाते हैं और विर्मंती उस कार्य को वह बीच में ही छोड़ देते हैं, ऐसे मध्यम पुरुष। इसके बाद जो उत्तम जना, जो उत्तम प्रवृत्ति के लोग हैं, वह विघ्नय, विघ्नों द्वारा, बाधाओं के द्वारा पुनः पुनः बार बार प्रतिहन्यमाना, अभी प्रताड़ित होने पर भी, बार बार उनके कार्य में बाधा आने पर भी, विघ्न आने पर भी, विपत्ति आने पर भी, प्रारब्धम प्रारंभ किए गए कार्य को न परित्यजन्ति, नहीं छोड़ते हैं। अर्थात उत्तम जन जो है वह कार्य को प्रारंभ करते हैं और उसको सफलतम रूप से पूर्ण भी करते हैं, चाहे उनके कार्यों में कितनी ही विघ्न बाधाएं आए, लेकिन वह कार्य को बाधाओं से डरकर नहीं छोड़ते हैं। यह भाव इस श्लोक में बताया है बच्चों। अर्थात इसमें उत्तम प्रकृति के लोग, जिनके अंदर उत्तम प्रकृति अर्थात जिनके अंदर धैर्य है, साहस है, उद्यमी है, ऐसे पुरुष कार्य सिद्ध में सफल होते हैं, क्योंकि वह अपने कार्य को पूर्ण करते हैं। इसलिए उत्तम जन सर्वश्रेष्ठ है और जो नीच प्रवृत्ति के लोग हैं, वह कार्य को विघ्नों के डर से प्रारंभ ही नहीं करते हैं। जो मध्यम प्रवृत्ति के लोग हैं, वह कार्य प्रारंभ तो करते हैं, लेकिन विघ्न आते ही, बाधा आते ही उसको बीच में ही त्याग देते हैं। किंतु जो उत्तम जन है, वह कार्य को पूर्ण करके सफलता प्राप्त करते हैं।
इससे बच्चों संसार में तीन प्रकार की प्रकृति के लोग पाए जाते हैं, उत्तम, मध्यम और अधम। उनकी प्रवृत्ति भी तीन प्रकार की होती है। इनमें से उत्तम प्रकृति के लोग ही अपना जीवन सफल बनाते हैं, अर्थात ऐसे लोग ही उन्नति के मार्ग पर जाते हैं। बच्चों इस श्लोक में वसंत का छंद है। अगला श्लोक, सज्जनता का निर्वाह कठिन है क्योंकि सज्जनों का आचरण तलवार की धार के समान अत्यंत कठिन होता है, इसलिए सज्जनता का निर्वाह करना बहुत ही दुष्कर कार्य है। कि असंतो न अभ्यर्थ्या सुहृदपि न याचे कृष्णधन प्रिया न्यायाया व्रतिम मलिनम सुभंगे अपि सुकरम विपद्यु उच्चै स्थेयम पदम अनुविधेयम च मताम सताम केनो दृष्टिम विषम असी धारा व्रतम इदम। असी धारा तलवार की धार के समान होता है। कि असंत न अभ्यर्थ, इस श्लोक में महाकवि वृत्तरि ने उपदेश देते हुए कहा है कि महापुरुषों के द्वारा अनुष्ठित मार्ग को ही सज्जन सदैव अपनाते रहे हैं। असंत दुर्जनों से न अभ्यर्थना, प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, दुर्जन व्यक्ति से कभी भी प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। कृष्णधन कम धन वाला सुहृद अपि कम धन वाला मित्र भी न याचे, याचना के योग्य नहीं है, अर्थात जिस मित्र के पास धन अल्प मात्रा में है तो उससे भी याचना नहीं करनी चाहिए। प्रिय न्यायुक्त वृत्ति व्यवहार आजीविका आश्रय के योग्य है, अर्थात जो भी आजीविका है आपकी, जो भी कमाई है वह न्यायोचित होनी चाहिए। मलिनम असुभंगे अपि मलिनम निंदनीय कर्म असुभंगे अपि प्राणांत काल में भी असुकरम दुष्कर है, जो भी निंदनीय कर्म है वह मरने तक प्राणांत काल में भी दुष्कर है। विपत्ति काल में उच्च बनकर स्थेयम रहना चाहिए, चाहे कितनी भी बाधाएं आपके आ जाए आपको उसमें उच्च बनकर रहना चाहिए। महताम बड़े लोगों का और पदम मार्ग अनुविधियम अनुसरण करने चाहिए, जो भी आपसे अनुभव में या आयु में बुजुर्ग है उनसे आपको ज्ञान लेना चाहिए, उनका अनुसरण करना चाहिए। इदम यह विषमम कष्टदायक हसी धारा व्रतम तलवार की धार के समान तीक्ष्ण तेज व्रत सताम सज्जनों के लिए केन उद्दिष्टम, किसने उपदेश दिया है, अर्थात दुर्जनों से प्रार्थना। असंत न अभ्यर्थाम, असंतो न अभ्यर्था सुरदीपि न याचे कृष्णधन प्रियाया न्यायाया व्रतिम मलिनम असुभंगे अपि सुकरम विबुद्ध उच्चैस्तेयम पदम अनुविधेयम च मताम सताम केनोदिष्टम विषम असिधारा व्रतम इदम। अर्थात दुर्जनों से, असंत दुर्जनों से न अभ्यर्थया प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। अल्प धन वाले कृष्ण धन कम धन वाले मित्र से भी नहीं मांगना चाहिए। प्रिय एवं न्यायोचित आजीविका का आश्रय लेना चाहिए। निंदनीय कर मलिनम निंदनीय कर प्राणी के नाश होने पर भी दुष्कर है। विपत्ति काल में उच्च मना होकर रहना चाहिए, अर्थात अपना मन कभी भी नीचा मलिन नहीं करना चाहिए। और महताम बड़े लोगों का महापुरुषों के मार्ग का अनुसरण पदम मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। इस तरह दुष्कर एवं तलवार की धार के समान तीक्ष्ण कठोर व्रत का सज्जनों के लिए किसने उपदेश दिया है, अर्थात सज्जन
सदा ही महापुरुषों के मार्ग का अनुसरण करने की चेष्टा करते हैं, निंदनीय कर्म कदापि नहीं करते हैं और विपत्ति में भी वह उच्च मन बने रहते हैं। ऐसा व्रत सज्जनों के लिए किसने बनाया है? सज्जनों के आचरण को तलवार की धार के समान कठोर बताया गया है। इससे ध्वनित होता है कि सज्जनता का निर्वाह करना बहुत ही दुष्कर कार्य है, कठिन है। बच्चों, अगला श्लोक 29वां श्लोक, सज्जनों की अक्षुण महता अर्थात स्वाभिमानी पुरुष दुर्दशा को प्राप्त होने पर भी अपने गौरव निर्वाह की पूर्ण चेष्टा करता है तथा अपने उदात स्वभाव का परित्याग नहीं करता है। इसी भाव को इस श्लोक में बृहत्तरि कवि कहते हैं कि शुद्ध सामो अपि जरा कृशो अपि शिथिल प्राणो अपि कष्टाम दशा आपन्नो अपि विपन्न धीति रपि प्राणेशु नश्यस्तु अपि मते भेन्द्र विभिन्न कुंभ कवल ग्रासे कबद स्प्रह किम जीर्णम तृणमति मान महता मग्रेसर केसरी। इसमें स्वाभि सिंह और स्वाभिमानी पुरुष की तुलना की गई है कि शुत्साम अपि भूख से व्याकुल हुआ भी, जरा कृश अपि बुढ़ापे से कमजोर भी, शिथिल प्राण अपि क्षीण शक्ति होने पर भी, कष्टाम कष्टकारी दशाम हालत को आपन्न प्राप्त होता हुआ भी, विपन्न दीदति अपि क्षीण कांति वाला भी, प्राणेशु प्राणों के नश्यतस्व अपि नष्ट होने पर भी, मतय भेन्द्र विभिन्न कुंभ कवल ग्रासेक बदस्प्र मदमस्त हाथी के फाड़े हुए जो दंड स्थल के कवल के ग्रास से ही एकमात्र आहार करने वाला, मान महताम गर्व से उन्नत प्राणियों में अग्रेसर अग्रणी केसरी सिंह किम क्या जीर्ण सूखे तृणम तिनकों को अर्थात घास को खाता है, अर्थात चाहे शेर कितना भी भूखा हो कितना भी है लेकिन वह सूखी घास खाता है, अर्थात वो कभी भी सूखी घास को नहीं खाता है क्योंकि वह एक स्वाभिमानी पुरुष के समान अपना स्वभाव रखता है कि भूख से अत्यंत व्याकुल, जरा कृश अपि बुढ़ापे से दुर्लभ कमजोर, शिथिल प्राण अपि पराक्रमहीन अर्थात क्षीण शक्ति होने पर भी, कष्टाम दशाम कष्टकारी हालत को अपन प्राप्त होता हुआ भी, विपिन दीदित अपि क्षीण कांति वाला भी, मरणासन होने पर भी मत गजराज के फाड़े हुए अर्थात मदमस्त गजराज के फाड़े हुए मस्तक के मांस को खाने की अभिलाषा रखने वाला, स्वाभिमानियों में अग्रणी सिंह क्या सूखी घास खाता है अर्थात कभी भी नहीं खाता है। यही भाववाद निकल रहा है बच्चों इसमें कि सिंह और स्वाभिमानी पुरुषों का स्वभाव एक सा होता है। सिंह भूखा भले ही मर जाए पर वह स्वाभिमानी होने से कभी सूखी घास सूखे तिनके खाकर प्राण धारण नहीं करता है, वह तो मदमस्त हाथी के दंड स्थल का मांस खाने का ही प्रयास करता है, चेष्टा करता है। इसी प्रकार स्वाभिमानी व्यक्ति भी कभी किसी से मांग कर नहीं खाता है, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता है, याचना नहीं करता है, वह तो सम्मानपूर्वक जीवन यापन करने के लिए हमेशा कटिबद्ध रहता है। ऐसा स्वाभिमानी सिंह मरणासन होने पर भी घास नहीं खाता, वैसे ही सज्जन व्यक्ति विपत्तिग्रस्त होने पर भी अपमानजनक कार्य नहीं करते, वे अंत तक अपनी महता अपनी प्रतिष्ठा अपना सम्मान बनाए रखते हैं। यही भाव इस श्लोक में सज्जनों की अक्षुण महता अर्थात अपनी वह सम्मान अर्थात अपनी माता को हमेशा बनाए रखने में सक्षम होते हैं। यहाँ पर सिंह का दृष्टांत देते हुए कवि ने सज्जन पुरुषों की अक्षुणता का महत्व प्रतिपादित किया है। बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही, कल के वीडियो में मैं अगले श्लोकों की व्याख्या आपको बताऊंगी।